बिहार अहिंसा की धरती है, शांति की धरती है। बिहार सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता की धरती है और बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। अब इस साल मैं देख रहा हूँ, होली इतनी अच्छी तरह से बीती, रामनवमी इतनी अच्छी तरह से बीती, ईद का त्यौहार गुजरा, सभ्य बारात गुजरी, सब कुछ अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया गया। ये दशहरा ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। एक जिले में कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, जिसको काबू कर लिया गया। और जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो लोग सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए काम करेंगे, किसी जात के, किसी मजहब के, किसी धर्म के हों, इसका परिणाम तो उनको भोगना पड़ेगा। सरकार की नीति और सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयत्न करने वाले सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो हो रही है और आगे भी होगी। ऐसे लोगों के नाम की प्रविष्टि गुंडा रजिस्टर में भी होगी और उसके बाद तो कहने की जरूरत नहीं, कई बार कह चुका हूँ। एक बार गुंडा रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि हो गई तो उसके कितने खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। आने वाला त्यौहार है अभी दीपावली, हमारा छठ। मैं तमाम बिहार के लोगों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूँ। खूब प्यार से, मोहब्बत के साथ, सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए, सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए इस दोनों त्योहारों को मनाएं। बीच में चेहल्लुम भी है, चेहल्लुम को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने दें। बिहार का एक एक नौजवान और एक एक आवाम खुद सिपाही बन करके, खुद अधिकारी बन करके, खुद शांति का प्रहरी बन करके और इन त्योहारों को बिल्कुल अच्छे ढंग से संपन्न कराए, मेरी मंगल कामनाएं। मैं गुप्तेश्वर पांडे, DGP बिहार, आप सबों को प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि बिहार किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में बिहार का नाम बदनाम न हो। धन्यवाद।